दोस्तों मैं हूं हरेश सितलानी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। स्वागत है आपका मेरी सीरीज में। दोस्तों आज मैं आपको अलग अलग बिजनेसेस के लिए कौन सी दिशाओं के एंट्रेंसेस को फेवरेबल माना जाता है इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों हर बिजनेस का अपना एक नेचर होता है। उदाहरण के लिए बिजनेस जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसिस में डील करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसिस इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होते हैं, जो फायर एलिमेंट अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। बिजनेस के नेचर को ध्यान में रखते हुए वास्तुशास्त्र में अलग अलग दिशाओं के एंट्रेंसेस का महत्व समझाया गया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि वास्तुशास्त्र के अनुसार किस प्रकार के बिजनेस के लिए कौन से दिशा के एंट्रेंस को फेवरेबल यानी कि अनुकूल माना जाता है। दोस्तों वास्तुशास्त्र में कुल 5 दिशाओं के एंट्रेंसेस को सारे बिजनेसेस के लिए अच्छा माना गया है। वो दिशाएं हैं, नंबर 1 नॉर्थ, नंबर 2 नॉर्थ ईस्ट, नंबर 3 ईस्ट, नंबर 4 साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, नंबर 5 वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। इन 5 दिशाओं को मैंने एक्सप्लेन किया है, आप मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो करें। इन 5 दिशाओं के अलावा कुछ बिजनेसेस के लिए दूसरी दिशाओं के एंट्रेंसेस को भी अच्छा माना जाता है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। नंबर 1 नॉर्थ ईस्ट। वैसे तो नॉर्थ ईस्ट के एंट्रेंस को सारे बिजनेसेस के लिए अच्छा माना जाता है। नॉर्थ ईस्ट का एंट्रेंस उन बिजनेसेस के लिए जैसे कि नंबर 1 टेक्सटाइल फैब्रिक्स में जो डील करते हैं, नंबर 2 स्टेशनरी शॉप, नंबर 3 खाने पीने के सामान, नंबर 4 मिठाई की शॉप, नंबर 5 मेडिकल स्टोर के लिए ज़्यादा लाभदायक माना जाता है। दोस्तों साउथ ईस्ट यानी के अग्निकोण, साउथ ईस्ट या अग्निकोण में फायर एलिमेंट यानी कि अग्नि तत्व पाया जाता है, इसीलिए साउथ ईस्ट के एंट्रेंस को उन बिजनेसेस के लिए अच्छा माना जाता है जो हीट, इलेक्ट्रिसिटी और फायर से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, नंबर 2 इलेक्ट्रिकल आइटम्स, नंबर 3 पेट्रोल पंप्स, नंबर 4 इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेस, रेस्टोरेंट, फास्ट फूड सेंटर्स इत्यादि। साउथ ईस्ट के रूलिंग प्लेनेट है वीनस, यही कारण है कि साउथ ईस्ट को महिलाओं के लिए अच्छा माना जाता है, इसीलिए साउथ ईस्ट के एंट्रेंस को फीमेल ओरिएंटेड बिजनेसेस के लिए अच्छा माना जाता है, जैसे कि लेडीज बुटीक, लेडीज बैग्स, लेडीज पार्लर, लेडीज ज्वेलरी इत्यादि। दोस्तों साउथ और साउथ वेस्ट के एंट्रेंसेस को उन बिजनेसेस के लिए अच्छा माना जाता है जो लग्जरियस और एक्सपेंसिव चीज़ों में डील करते हैं, जैसे कि एक्सपेंसिव एंड ब्रांडेड कपड़े, कॉस्मेटिक्स, एक्सपेंसिव ज्वेलरीज इत्यादि। बिजनेसेस जो कैसिनोस और बार में डील करते हैं या लोग जो कमीशन बेस्ड बिजनेसेस में इन्वॉल्व है, उनके लिए भी साउथ और साउथ वेस्ट के एंट्रेंसेस को अच्छा माना जाता है। दोस्तों साउथ वेस्ट में अर्थ एलिमेंट यानी कि पृथ्वी तत्व पाया जाता है, इसीलिए साउथ वेस्ट के एंट्रेंसेस उन बिजनेसेस के लिए अच्छा माना जाता है जो मार्बल, ग्रेनाइट, आयरन, कोल इत्यादि में डील करते हैं। दोस्तों साउथ ईस्ट की तरह वेस्ट के एंट्रेंसेस को भी फीमेल ओरिएंटेड बिजनेसेस के लिए अच्छा माना जाता है। दोस्तों नॉर्थ वेस्ट में एयर एलिमेंट यानी कि वायु तत्व पाया जाता है, इसीलिए नॉर्थ वेस्ट का एंट्रेंस उन बिजनेसेस के लिए भी अच्छा माना जाता है जो परफ्यूम्स, स्प्रेस और एरोसोल्स में डील करते हैं। बिजनेसेस जो टेलीकॉम, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, सेल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में डील करते हैं,
उनके लिए नॉर्थ वेस्ट के एंट्रेंस को अच्छा माना जाता है। दोस्तों, अब हमने जान लिया कौन से बिजनेसेस के लिए कौन से दिशाओं के एंट्रेंसेस को फेवरेबल माना जाता है, पर अगर आपका एंट्रेंस फेवरेबल दिशा में नहीं है तो तब क्या? तब आपको आपके एंट्रेंस के लिए वास्तु रेमेडीज करना है। एंट्रेंस के वास्तु रेमेडीज पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो करें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, आप मेरे से कुछ जानना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पर आप मुझे लिखें। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।